हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल सोनी में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अभी रिक्वायरमेंट निकली है आपके हिमाचल प्रदेश में, जो 1720 पोस्ट पे है और 2019 तक, यानी जनवरी 2019 में तक इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए इसके बारे में मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो, ये इसकी HPSSC रिक्वायरमेंट 2019 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, 1720 वैकेंसी है, जो JPT, TGT, SI एंड अदर पोस्टों पे है। अब इसमें आप देख सकते हो, नेम ऑफ पोस्ट HPSC वायरस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2019, पोस्ट डेट है, यानी फॉर्म की जो डेट है वो है 21/12/2018, यानी 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है इसकी, पहले थी क्या नाम है, 24/12/18, लेटेस्ट अपडेट ये अपडेट है इसकी, 24 बार को ये अपडेट हुआ था और टोटल वैकेंसी है 1720। फिर यहाँ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये इसके बारे में बताया गया है कि इसमें इसमें वैकेंसी निकल रही है। तो आके चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन में। ये आप देख रहे हो ऊपर, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSC, एडवर्टाइज नंबर ये आप देख ही रहे हो, 34_2 2018, वायरस वैकेंसी है 2019। ये जो साइट है, इस साइट से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो जनरल के लिए है 360, जनरल RTP PH एंड अदर के लिए 120, और SC ST OBC के लिए है 120। फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर HP, यानी हिमाचल प्रदेश में है तो उनके लिए नील है। और पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट है, इसमें नेट बैंकिंग है, कंप्यूटर जनरेट चालान है, या लोक केंद्र से आप इसको फी जो है वो आप इसकी दे सकते हो। फिर इसके साथ है इम्पोर्टेंट डेट्स, तो इसकी जो फॉर्म स्टार्ट थी वो 23/12/2018 से था, स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की ऑनलाइन की, वो है 22/1/2019 रात के 11:59 तक, 22 तारीख को। फिर एज लिमिट पे चलते हैं। इसमें एज लिमिट क्या है कि 1/1/2018 को आपकी ये 18 ईयर्स या 45 ईयर्स होनी चाहिए। तो वो देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट है ऑल पोस्ट के लिए 18 ईयर्स, यानी 18 साल से नीचे का कोई नहीं, 18 साल से ज़्यादा ही ज़रूरी है। फिर है मैक्सिमम एज लिमिट है 45 साल, यानी 18 से 45 साल के बीच की जो है वो इनको भर सकते हैं। फिर है नंबर ऑफ पोस्ट, जो नंबर ऑफ पोस्ट SI नंबर पोस्ट 14, 18 से 30 ईयर्स है। फिर सेकंड है SI नंबर 21, यानी पोस्ट नंबर 21 के लिए 18 से 35 है। फिर है पोस्ट नंबर 32 के लिए 21 से 26 ईयर्स है। फिर आगे है एज रिलेक्शन, जो आपको SC ST OBC को जो मिल रहा है वहाँ के नियम के अनुसार वो आपको मिल सकता है। फिर आगे चलते हैं वैकेंसी, कि इसमें किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसी और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप देख रहे हो इधर पोस्ट है, इधर टोटल वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले TGT आर्ट्स के लिए है, इसकी पोस्ट है टोटल वो है 292, और BA BCOM BEd ये इनकी सेकेंडरी टेट, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। और जो पोस्ट दे रखी है उसके आगे इनकी क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, वो आप देख रहे हो। जैसे TGT नॉन मेडिकल के लिए है, जो टोटल पोस्ट है वो 107 है, और इसके लिए आपको है BSc नॉन मेडिकल विथ BEd BELED सीनियर सेकेंडरी विथ टेट। फिर है जूनियर कैमरामैन के लिए है नो पोस्ट, और इसकी मैट्रिक डिप्लोमा फोटोग्राफी में होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 1, इसकी 14 14 पोस्ट है, मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर NCVT सर्टिफिकेट के साथ विथ एक्सपीरियंस। फिर है वार्डन, इसकी एक ही पोस्ट है, एनी डिग्री BEd या DED विथ एक्सपीरियंस। फिर स्पेशल एजुकेटर, इसके लिए है नो पोस्ट है इसकी, और इसमें डिग्री आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स जो भी हो, BA DED जो भी है वो होगी। फिर है पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2, इसकी नो पोस्ट है, इसमें मैट्रिक NCVT और सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। फिर है साइटिस असिस्टेंट, इसकी 11 पोस्ट है, BCOM BSc BA ये इनकी पोस्ट है जो आप देख रहे हो। मैनुअल असिस्टेंट, इसकी 6 पोस्ट है, और डिग्री साइंस डिप्लोमा इंजीनियर में होना चाहिए। फिर है डार्क रूम अटेंडेंट,
इसकी एक पोस्ट है 10+2 साइंस आईटीआई विद एक्सपीरियंस। फिर है कलर अकाउंटेंट कम कलर, इसकी 6 पोस्ट है 10+2। स्पीड ऑफ वर्ड 30 टाइपिंग में होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए, मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, वो भी कंप्यूटर पे। इसके साथ है सीनियर सर्टिफिकेट टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी एक ही पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियर एंड बीटीस चाहिए। फिर इसके साथ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए इसकी एक ही पोस्ट है 10+2। स्पीड ऑफ वर्ड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, वो भी हिंदी में, एंड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। DCA का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर फिटर इलेक्ट्रॉनिक, ये ITI की पोस्ट है, इसमें 69 पोस्ट है। और मैट्रिक यानी 10वीं पास, ITI इलेक्ट्रॉनिक एंड वायरमैन ट्रेड। फिर है वीडियो फिल्म एडिटर, इसकी एक ही पोस्ट है 10+2 डिप्लोमा डिग्री फिल्म एडिटिंग में होनी चाहिए विथ एक्सपीरियंस। फिर है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, इसमें 12 पोस्ट है, फिर इसकी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसकी 51 पोस्ट है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए। फिर है इलेक्ट्रिशियन, एक ही पोस्ट है, इसमें 10वीं पास और ITI इलेक्ट्रिशियन में होनी चाहिए। फिर स्टेनोटाइपिस्ट, इसकी 8 पोस्ट है और 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। स्पीड शॉर्ट एंड टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। फिर है असिस्टेंट केमिस्ट, इसकी एक ही पोस्ट है BSc विथ एक्सपीरियंस, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। फिर है टेक्निकल सुपर अटेंडेंट, इसकी 11 पोस्ट है और डिग्री है इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी एंड डेयरी के अंदर डिग्री होनी चाहिए। फिर स्टोरकीपर, इसकी 7 पोस्ट है, 10+2 इसकी क्वालिफिकेशन है। फिर है जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर, इसकी इनकी 617 पोस्ट है और 10+2 सीनियर सेकेंडरी डिग्री DED विथ JBT कोर्स TET यानी वहाँ की टेट होनी चाहिए। फिर है क्वार्टर मास्टर, इसकी पोस्ट है 9। फिर मैट्रिक आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स, इनकी है 7 ही पोस्ट और BCOM या MCOM होना चाहिए। फिर है जूनियर ऑफिसर IT, इनकी 5 पोस्ट है और इनकी क्वालिफिकेशन MCA, MSc, IT एंड MSc। फिर है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनकी 5 ही पोस्ट है और 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। फिर है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इनकी 4 ही पोस्ट है, इसमें डिग्री या MSc या रेवरेंट डिसिप्लिन की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। फिर है जूनियर ऑफिसर अटेंडेंट IT, इनकी 412 पोस्ट और 10+2 या DCA का डिप्लोमा टाइपिंग नॉलेज साथ में होनी चाहिए। फिर है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इनकी 33 पोस्ट और इसमें कोई भी डिपार्टमेंट से एनी डिग्री होनी चाहिए, कोई भी BA पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम में डिग्री हो वो ज़रूरी है। ये तो थी इनकी जो पोस्ट की पोस्ट वाइज इनकी वैकेंसी। एंड इसमें लास्ट में दे रखा है कि अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे यहाँ से तो आपको क्या नाम है जो मेन साइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके साथ इसमें एक चीज़ दे रखी है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई, यानी ये बोल रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट या जो भी आप पात्र हो इनके लिए, तो सबसे पहले आप इनकी जो नोटिफिकेशन दे रखी है वो आप चेक करना इनकी जो साइट है उन पे जा उस पे जाकर, और जो इसकी साइट है या इनका जो नोटिफिकेशन वो अपने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से सीधे डायरेक्ट जाकर वो साइट देख सकते हो, वहाँ पर जाकर इनका जो नोटिफिकेशन वो देख सकते हो। अब रहा अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी भर सकते हो, अलग अलग पोस्टों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि आप एक ही अप्लाई कर सकते हो एक ही पोस्ट के लिए, तो आप सभी को एक साथ अप्लाई कर सकते हो, जो भी पोस्ट है जो आप इसमें एलिजिबल हो। तो जैसे आपने अप्लाई ऑनलाइन पे किया तो यहाँ आपको ये करंट वैकेंसी के नाम से जो इनका पोर्टल है वो ओपन होगा, और यहाँ आपको जो वैकेंसी है वो इधर दिखाई जाएगी। आप देख सकते हो कि जो भी वैकेंसी है उनकी पोस्टों समेत और उनकी क्वालिफिकेशन समेत यहाँ आपको नोटिफिकेशन के साथ दिखाई जा रही है। ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ सब वैकेंसी दिखाई जा रही है, उनके जो राइट साइड में है आपको दिखा रहा होगा कि पीले में अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ को यहाँ पर आपको जो भी आपकी जो पोस्ट है उस पर आपको क्लिक करना। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सबसे पहले वाली पोस्ट है असिस्टेंट केमिस्ट, तो इसका ये डिस्क्रिप्शन है और ये इसकी पे ग्रेड दे रखी है, साथ में इसकी डेट और इसकी क्लोजिंग डेट
दे रखी है। तो मैं यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, अप्लाई नाउ पे। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो आगे का जो स्ट्रक्चर है साइट का वो ऐसे आएगा HPSSC का। ये अगर आपका जो आपने पहले से यहाँ रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके पास होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले में आपको यूज़र नेम लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, और फिर ये जो कैप्चा ये यहाँ एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो मेन साइट है वो ओपन हो जाएगी और जो आपसे पूछा जाए वो आप भरते जाओ और लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर दो एंड पेमेंट कर दो। लेकिन अगर आप यहाँ से नए हो, न्यू रजिस्टर हो, अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हो, तो सबसे पहले आपको ये जो तीन डॉट्स दिखे हुए हैं दिख रहे हैं इस साइड पे, ये वाले, तो इस पर क्लिक करना है। इस वाले पे प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप देख सकते हो। ये इस तरीके की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ से फिर रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो भी वैकेंसी निकली हुई है, जो इनका ये नोटिफिकेशन है वो यहाँ चल रहा है। फिर आप तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो पूछा जाए वो जो जो उसमें पूछ रहा है वो आपको लिखना है, यानी टाइपिंग करनी है, भरना है, फिर उसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक यूज़र एंड आईडी पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड जाकर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होते ही आपका जो फॉर्म है वो ओपन होगा, उसमें जो आपसे पूछा जाए स्टेप बाई स्टेप आपको देना है, साथ आगे जाकर सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर अच्छा लगे तो इसको क्या सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना।